जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 12वीं पास के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती। जो उम्मीदवार देश की सेवा के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए सीमा सुरक्षा बल BSF ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 14 मई से शुरू होगी, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अगर आप BSF में नौकरी करना चाहते हैं तो इस भर्ती से जुड़ी जानकारी पहले जान लें, उसके बाद ही आवेदन करें। पदों का विवरण है, हेड कॉन्स्टेबल के 1072 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 300 पद और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 772 पद है। पे स्केल, हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर जो उम्मीदवार का पे स्केल 25,000 से लेकर 81,100 रुपये होगा। योग्यता है, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रेडियो और टेलीविज़न में ITI की होनी चाहिए, ITI मांगी गई है, और PCM में 60% अंकों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा भर्ती में 18 से 25 साल तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह उम्र 12 जून 2019 के आधार पर तय की जाएगी। आवेदन फीस, आवेदन करने के लिए जनरल और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस के भुगतान करना होगा। वहीं SC ST महिला पूर्व सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन के लिए फीस नहीं देनी होगी। फीस का भुगतान SBI ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ये है जरूरी तारीखें। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू 14 मई 2019 से होगी। 14 मई से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 जून, यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 12 जून और लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी। लिखित परीक्षा होगी पहले 28 जुलाई को। कैसे होगा चयन? उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा होगी, पहले लिखित परीक्षा होगी 28 जुलाई को, उसके बाद PET यानी फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, और उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे देश में कहीं पर भी हो सकती है। यानी 12वीं पास के लिए अच्छा मौका है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, 12 जून इसकी लास्ट डेट है, और सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा 28 जुलाई को। तो कैसी लगी ये भर्ती, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपका कोई रिश्तेदार, भाई बंद कोई भी हो, वो इस वीडियो का लाभ पहुँचा सके। थैंक यू, धन्यवाद।